हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 12 का अगला पार्ट जो है फिजिक्स का वो पढ़ने वाले हैं, यूनिट नंबर फर्स्ट का। तो आज हम जो है फोर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, है ना, अट्रैक्शन और रिपल्सिव फोर्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा कोलम्स इनवर्स स्क्वायर लो। ओके बच्चों, कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लो, ठीक है। तो कूलम्स स्क्वायर इनवर्स लो क्या होता है? तो कूलम्स जो साइंटिस्ट थे उन्होंने स्टैटिक चार्ज और पॉइंट चार्ज, ठीक है, स्टैटिक चार्ज जो रेस्ट पर हो, चार्ज ऐसा जो रेस्ट पर हो, ठीक है, पॉइंट चार्ज का मतलब होता है दो पॉइंट दो चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसके कंपेयर में उनका जो साइज होता है वो नेग्लिजिबल होता है, ऐसे चार्जेस को हम पॉइंट चार्ज बोलते हैं, ठीक है। दो चार्जेस जिनके बीच का डिस्टेंस इतना इतना हो या इतना ज्यादा हो कि उनके कंपेयर में उन चार्जेस का साइज जो नेग्लिजिबल हो, तो उन चार्जेस को हम क्या बोलेंगे? पॉइंट चार्जेस, ठीक है। तो कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ में हम बात करते हैं दो पॉइंट चार्जेस है Q1 Q2 आर अपार्ट आर डिस्टेंस, ठीक है, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? आर डिस्टेंस है, ठीक। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स द फोर्स एक्ट्स बिटवीन द फोर्स, इसको अट्रैक्शन फोर्स बोल सकते हैं, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, ठीक है। बात हम कर रहे हैं कि देखिए पॉइंट चार्ज हम लेते हैं तो दो पॉइंट चार्ज जो होते हैं वो आपके हो सकता है कि दोनों पॉजिटिव, जब दोनों पॉइंट चार्ज पॉजिटिव होंगे तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा, ठीक है। अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, दोनों नेगेटिव है तो रिपल्सन फोर्स लगेगा, ये नेगेटिव सेकंड वाला पॉजिटिव तो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। तो इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगे रिपल्सिव फोर्स लगे, दोनों के लिए कूलम फोर्स जो है वो वैलिड है, ठीक है। और फोर्स जो होता है जब हम फोर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं तो आपको वहां पे नेगेटिव साइन और पॉजिटिव साइन छोड़ देना, ठीक है, वहां पे हम उसको लेते नहीं है, ठीक है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सिव बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस आर इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स, ठीक है। जो फोर्स होता है वो दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, ठीक है। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। ठीक, सपोज करते हैं कि दो पॉइंट चार्जेस है, दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है? आर, ठीक है। टू पॉइंट चार्जेस है Q1 Q2, दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है? आर। तो देखिए कूलम्स लॉ क्या बोलता है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस आर इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो ये जो फोर्स है इन दोनों के बीच में जो फोर्स एक्ट करेगा, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, दोनों के प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा, ठीक है। ये मासेस नहीं, यहाँ पे क्या चार्ज है ना, तो Q1 Q2 इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। सेकेंड क्या बोलेगा यहाँ पे, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा दोनों के बीच की डिस्टेंस के, ठीक है, इक्वेशन नंबर सेकेंड। बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से हम देखेंगे एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से क्या करेंगे, हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो एफ इक्वल्स टू एक सिंबल लग जाएगा के Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। के क्या है यहां पे, तो वेयर के इज अ प्रोपोर्शनलिटी साइन,
या कॉन्स्टेंट बोलते हैं उसको ना, प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट कॉल्ड इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कॉन्स्टेंट है ना, ये नाम भी हम दे सकते हैं फोर्स कॉन्स्टेंट। ओके ठीक है, तो बच्चों वापस से तो थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं, दो चार्जेस बिटवीन की डिस्टेंस से आर, अगर दोनों रखे हुए हैं आर डिस्टेंस अपार्ट पर, तो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस क्यू वन क्यू टू एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देन एफ प्रोपोर्शनल वन बाई आर स्क्वायर, दोनों को हम मिलाएंगे तो एफ प्रोपोर्शनल हो जाएगा क्यू वन क्यू टू डिवाइड बाई आर स्क्वायर। प्रोपोर्शनलिटी साइन जैसे हटाओगे तो प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट लगेगा, तो इस प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट को हम क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कॉन्स्टेंट भी हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, इस इक्वेशन को आप नाम दे दीजिए इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है, इस इक्वेशन को नाम क्या दे देते हैं, इक्वेशन नंबर थर्ड। ओके, तो आगे क्या सोल्व करेंगे इसको, तो इसमें दो केस बन सकते हैं, केस नंबर फर्स्ट एक एसआई यूनिट सिस्टम में और केस नंबर सेकेंड सीजीएस में। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा इसको कैसे आगे सोल्व करना है, इसमें दो केस बनाएंगे हम। तो पहला वाला हो जाएगा इन एसआई यूनिट सिस्टम, एसआई यूनिट सिस्टम में के की जो वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है, तो जो एप्सिलॉन नॉट होता है वेयर एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ एयर और फ्री स्पेस। ठीक है, परमिटिविटी हो जाएगी एयर और फ्री स्पेस। ओके, वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट तो 8.85 × 10^-12। ठीक है, इसकी यूनिट तो हम यहां से फाइंड कर सकते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट मैं इसको यहां पर रफ कर देता हूं। देखो यहां से जैसे ही आपको के की वैल्यू मिल गई, इसी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की न्यूमेरिकल वैल्यू जब न्यूमेरिकल सोल्व करोगे तो आप 9 × 10^9 यहाँ पे रखोगे, क्योंकि आप 1/4 3 पॉइंट पाई की वैल्यू होती है 3.14, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 × 10^-12। ठीक है, तो ये वैल्यू आप रख सकते हो। तो ये वाली वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू ऑफ के इन इक्वेशन थर्ड, के की वैल्यू का रख देते इक्वेशन नंबर थर्ड में। ठीक है, तो एफ का फॉर्मूला मिल जाएगा, एफ इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। तो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला यहाँ पे मिल गया, और ये जो फोर्स फॉर्मूला है आप कहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, तो जहां पर भी दो चार्जेस आपको गिवन हो, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, आप ये वाला फॉर्मूला रख के इसको सोल्व कर सकते हो, और आपकी जो वैल्यू यहाँ पे आने वाली है वो किसमें आने वाली है, न्यूटन में। ओके, मतलब इसकी यूनिट क्या जाएगी, यूनिट। अब सेकंड वाला हम और देख लेते हैं यहाँ पे, ये सीजीएस यूनिट में होता है, इन सीजीएस यूनिट सिस्टम। तो सीजीएस यूनिट सिस्टम में क्या होता है, के की वैल्यू जाती है 1। ठीक है, जब के की वैल्यू 1 हो जाएगी तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ के इन इक्वेशन थर्ड, जैसे ही हम इक्वेशन नंबर थर्ड में वैल्यू को पुट करते हैं, ये इक्वेशन नंबर थर्ड, तो यहां पे हम जैसे ही के की वैल्यू पुट करेंगे तो मैं आंसर यहां पे लिख देता हूं, आंसर यहां लिख देता हूं मैं, कि जैसे आप के की वैल्यू 1 रखेंगे तो एफ इक्वल्स टू मिलेगा क्यू वन क्यू टू डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, और ये आपका किसमें हो जाएगा, ये हो जाएगा डाइन में, किसमें जाएगा डाइन में, क्योंकि सीजीएस यूनिट सिस्टम। ओके बच्चों, तो मैं आशा करता हूं आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलम्स इनवर्स स्क्वायर को समझ में आया होगा। ठीक है, ये सिर्फ हमने यहाँ पे इसका फॉर्मूला डिराइव किया है, अब आगे वाले पार्ट में हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे, किस टाइप के न्यूमेरिकल्स बनते हैं वो सब हम इसमें डिटेल में समझेंगे। ओके, तो आज के लिए जय हिंद जय भारत।